इस टीवी सीरीज के स्टार्ट में हमें हेवन को दिखाया जाता है, जहां वी चेंग किसी चीज से बच के भाग रहा था। वी चेंग असल में मंकी किंग का बेटा था, और वो जिससे बच के भाग रहा था वो चीज जगह के हिसाब से अपना रंग रूप बदल रही थी। वो चीज जब वी चेंग को पकड़ लेती है तो हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वी चेंग के पिता मंकी किंग थे। मंकी किंग अपने बेटे से कहता है कि वो आयरन स्टफ मुझे दे दो, लेकिन वी चेंग ऐसा करने से इनकार कर देता है और हेवन से अर्थ की तरफ कूद जाता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम अर्थ पे जिंग नाम के एक लड़के को अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करते हुए देखते हैं। जिंग को वहाँ एक जैकेट पसंद आती है, लेकिन उस जैकेट की प्राइस बहुत ज्यादा थी, इसीलिए जिंग की मॉम उसे उस जैकेट के बदले एक और जैकेट दिला देती है। जिंग जब उस जैकेट को ट्राई करने लगता है तो उसे लगता है कि उसकी मॉम उसके पीछे खड़ी है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थी। इसलिए जिंग गलती से एक लड़की को अपनी मॉम समझ के उससे पूछ लेता है कि ये जैकेट कैसी लग रही है, जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि काफी हॉट लग रही है। तभी जिंग उसे देखता है तो उससे सॉरी बोलता है। वो उससे कहता है कि मुझे लगा मेरी मॉम खड़ी है, जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है, लेकिन उन्हें वो जैकेट भी पसंद नहीं आती, इसलिए जिंग उसे लिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे तो वैसे भी महंगी वाली जैकेट पसंद थी। नेक्स्ट सीन में हम जिंग के घर को देखते हैं, जहाँ सुपर हीरोज के बहुत सारे टॉयज रखे हुए थे, क्योंकि जिंग फिक्शनल सुपर हीरोज का बहुत बड़ा फैन था। और तभी हमें पता चलता है कि जिंग उस महंगे वाली जैकेट को स्टोर से चोरी करके अपने साथ ले आया था। अगले दिन जब जिंग की मॉम उसे स्कूल छोड़ने जा रही होती हैं, तो रास्ते में जिंग को अजीब से क्लाउड्स दिखाई दे रहे होते हैं। स्कूल पहुंचकर वो अपने दोस्त अनुज के पास आता है, लेकिन अनुज उसे इग्नोर कर देता है, जिसके बाद डेविड नाम का एक लड़का जिंग से मिलता है, जो कि उसे सॉकर क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है। जिंग भी एक कूल बॉय बनना चाहता था, इसलिए वो डेविड से कहता है कि मैं जरूर वहाँ आऊंगा। जिंग की क्लास जब स्टार्ट होती है तो उन्हें एवोल्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता है। तभी जिंग की नजर अपनी एक क्लासमेट पे पड़ती है, और ये वही लड़की थी जिससे जिंग शॉपिंग स्टोर में मिल चुका था। इस लड़की का नाम एमिलिया था। एमिलिया यहाँ जिंग से पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी पसंद की जैकेट मिल गई थी, जिस पर जिंग एमिलिया को इम्प्रेस करने के लिए उसे झूठ बोल देता है कि मैंने पूरे 7 जैकेट्स लिए हैं। एमिलिया उससे पूछती है कि तुमने 7 जैकेट्स क्यों लिए हैं, जिस पर जिंग उससे कहता है कि मैंने 7 जैकेट्स इसलिए लिए हैं ताकि मैं पूरा वीक अलग अलग जैकेट पहन सकूं। तभी स्कूल की प्रिंसिपल भी वहां आ जाती है और वो जिंग को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि एक चाइनीज लड़के ने अभी अभी स्कूल को ज्वाइन किया था, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मंकी किंग का बेटा वी चेंग था, जो कि हेवन से भाग के यहाँ अर्थ पे आ गया था। प्रिंसिपल यहाँ जिंग को वी चेंग से दोस्ती करने का कहती है, ताकि वी चेंग को लैंग्वेज की वजह से स्कूल में ज्यादा परेशान ना होना पड़े। इसीलिए वी चेंग अब हर जगह जिंग के साथ घूमने लगता है, लेकिन जिंग को हर वक्त वी चेंग के साथ रहने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी वी चेंग उसे एक सुपर हीरो की टॉय दिखाता है, जिसे देख के जिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे इस सुपर हीरो की कॉमिक को पढ़ने का काफी शौक था। जिंग उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला है। वी चेंग उसे बताता है कि ये उसे उसके डैड ने दिया था। दूसरी तरफ हेवन में मंकी किंग के एडवाइजर उसे आके बताते हैं कि बुल डीमन अटैक की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे ये पता चल गया है कि हमारे पास वो आयरन स्टफ नहीं है और आयरन स्टफ के बगैर हम उसे हरा नहीं पाएंगे, जिस पर मंकी किंग कहता है कि अब मुझे अपने बेटे को लाने के लिए अर्थ पे जाना होगा, जिसके पास वो आयरन स्टफ है। दूसरी तरफ अर्थ पे जिंग के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारा स्कूल कैसा रहा, जिस पर जिंग उनसे कहता है कि काफी अच्छा था, मैंने सॉकर क्लब भी ज्वाइन किया है। ये सुनकर जिंग के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अगली सुबह जिंग चोरी वाली जैकेट पहन के स्कूल जाता है और एमिलिया के पास आके उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करना चाहोगी, लेकिन तभी वहाँ पे वी चेंग भी आ जाता है, जिसने जिंग के जैसी जैकेट पहनी हुई थी। वो जिंग से कहता है कि हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है। जिंग को उसकी इस हरकत पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन एमिलिया की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं कह सकता था। तभी एमिलिया ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि फिर मिलेंगे। एमिलिया के जाने के बाद वी चेंग उससे कहता है कि क्लास स्टार्ट होने वाली है, लेकिन जिंग उस पे गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो। अब जैसे ही जिंग गुस्से में वहाँ से जाने लगता है तो तभी वो एक डोर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। वी चेंग जब उसे उठाता है तो वो उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंग अपने दोस्त अनुज के पास जाता है, जिसने एक ड्रामा में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फेस पे पेंट कर रखा था, और वो जिंग के बैठते ही वहाँ से चला जाता है। अनुज जिंग से इसलिए नाराज
था क्योंकि डेविड ने उसका मजाक उड़ाया था और जिंग फिर भी उसकी सॉकर टीम में शामिल हो गया था। जिंग उसे वो सब हंसी मजाक समझ के भूल जाने का कहता है। ये सुनकर अनुज जिंग को एक वीडियो दिखाता है जिसमे किसी ने जिंग के साथ हुए एक्सीडेंट का वीडियो बना के उसका मीम बना दिया था जो की काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। जिंग उसे देख कर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंग सॉकर खेलने के लिए ग्राउंड में जाता है जहां एक लड़का डेनी उसे मीम के बारे में बोलकर टीज करने लगता है जिसकी वजह से जिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और गेम में जब डेनी बॉल को किक करने लगता है तो जिंग उसकी तरफ बढ़ता है और उछल के उसे एक जोरदार पंच मारता है जिसके कारण डेनी की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। जिंग की इस हरकत की वजह से कोच उसे टीम से निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में जब जिंग अकेला बैठ के अपनी मीम्स देख रहा था तो तभी वहां पे वी चेंग आ जाता है जिस पर जिंग सुबह उसके साथ बुरी तरह बिहेव करने की वजह से उससे माफी मांगता है। वी चेंग भी उसे माफ कर देता है जिसके बाद वो जिंग से पूछता है कि तुम क्या देख रहे थे। जिंग उसे वो मीम दिखाता है। वी चेंग जब उस वीडियो को देखता है तो उसे मिरर में डेविड नजर आता है जिसने वो वीडियो बनाई थी। तभी जिंग की मॉम उसे लेने के लिए वहां पहुंच जाती है जिसकी वजह से वो वी चेंग को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। जिंग के जाने के बाद वी चेंग को यहां एक ईगल दिखाई देती है जिसे देखकर वो घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उसके डैड उसके सामने आ जाते हैं और वो वी चेंग से यहां आने का कारण पूछते हैं। वी चेंग उन्हें बताता है कि मैं यहां फोर्थ स्क्रोल की तलाश में आया हूं। मंकी किंग उससे कहता है कि फोर्थ स्क्रोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये एक मिथ है और दुनिया में सिर्फ 3 ही स्क्रोल है। वी चेंग अपने पिता को कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने अपने सपने में फोर्थ स्क्रोल को महसूस किया था। जिस पर मंकी किंग उसकी बात का मजाक उड़ाने लगता है और वी चेंग से कहता है कि मुझे मेरा आयरन स्टफ वापस लौटा दो और वापस अपने घर चलो। लेकिन वी चेंग वो आयरन स्टफ लौटाने से मना कर देता है जिसकी वजह से उन दोनों में फाइट होने लगती है। वी चेंग मंकी किंग से काफी अच्छे से फाइट कर रहा होता है लेकिन वो ज्यादा देर तक मंकी किंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। मंकी किंग वी चेंग से अपना आयरन स्टफ जो कि असल में आयरन स्टिक थी वो वापस लेके उसे मारने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसके कारण वो दोनों दूर जा गिरते हैं और तभी वहाँ पे एक देवी गुनियान आ जाती है जो कि असल में वी चेंग की मदर की बहन थी जिसे देखते ही मंकी किंग उसे सारी बात समझाने लगता है। गुनियान आयरन स्टिक को उठा के फिर से छोटा कर देती है और उसे वी चेंग को दे देती है। वी चेंग उसे अपने कान में छुपा लेता है। मंकी किंग कहता है कि बुल डीमन वी चेंग को लेने आएगा इसलिए वो इसे यहाँ से लेने आया है। लेकिन गुनियान उसकी कोई बात नहीं सुनती और वी चेंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। गुनियान वी चेंग को हेवन में ले आती है जहाँ वो वी चेंग से पूछती है कि तुम आयरन स्टफ लेकर अर्थ पे क्यों गए थे। वी चेंग बताता है कि मैंने सपने में देखा था कि धरती पे एक गार्डियन है जो कि उसे फोर्थ स्क्रोल तक लेकर जाएगा और उसे ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा। जिस पर गुनियान उससे पूछती है कि क्या तुमने ये भी सपने में देखा था कि तुमने आयरन स्टफ चुरानी है। तो वी चेंग कहता है कि नहीं, वो तो मैंने अपनी मर्जी से चुराई थी ताकि फोर्थ स्क्रोल को ढूंढने के लिए मुझे उसकी जरूरत पड़े तो मैं उसे यूज कर सकूं। ये सुनकर गुनियान उसे कहती है कि ठीक है लेकिन तुम्हें आयरन स्टफ का खास ख्याल रखना होगा क्योंकि ना जाने कितने बुरे डीमन इस आयरन स्टफ के पीछे पड़े हैं और इसको पाना चाहते हैं। जिसके बाद गुनियान उससे कहती है कि अगर सच में फोर्थ स्क्रोल एग्जिस्ट करता है तो उसे किसी गलत हाथों में जाने से पहले हमें उसे ढूंढना होगा। जिसके बाद गुनियान अपनी पावर्स को यूज करती है और अगले ही पल वो वी चेंग को लेकर अर्थ पे पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हम जिंग को देखते हैं जिसे उसकी मदर कहती है कि उसे अपने कोच से बात करनी चाहिए, शायद वो फिर से तुम्हें अपनी टीम में वापस ले ले। अब स्कूल में जिंग जब अपने दोस्त अनुज के साथ बातें करते हुए जा रहा होता है तो तभी उन्हें वहाँ कल्चरल क्लब की लीडर सूजी मिलती है जो कि जिंग के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी और उसकी डिमांड ये थी कि जिसने भी जिंग की मीम वीडियो को बनाया था उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन जिंग इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था इसलिए वो सूजी से ये सब बंद करने का कहता है लेकिन सूजी उसकी बात नहीं सुनती और प्रोटेस्ट करना जारी रखती है। तभी जिंग वहाँ पे एमिलिया से मिलता है जो कि उससे पूछती है कि क्या तुम इस वीकेंड पे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे। लेकिन इससे पहले कि जिंग उसे कुछ कह पाता सूजी सबकी अटेंशन अपनी तरफ कर लेती है और कहती है कि जिंग की तरह मैं भी एक चाइनीज हूँ और मैं उसे इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। जिसके बाद वो वहाँ पे वी चेंग को भी बुलाती है। वी चेंग यहाँ सूजी के कहने पर सबको बता देता है कि जिंग का वो मीम वाला वीडियो डेविड ने बनाया था। जिसके बाद वो सब लोग मिलकर जस्टिस जस्टिस चिल्लाने लगते हैं। डेविड को भी इस प्रोटेस्ट का पता चल चुका था इसलिए वो जिंग के पास आके उसे सॉरी कहता है और उसे स्कूल प्रिंसिपल को इस बारे में ना बताने की रिक्वेस्ट करता है। डेविड जिंग को इसके बदले में कोच से बात करके उसे टीम में वापस लेने का प्रॉमिस करता है जिस पर जिंग मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जिंग के डैड को देखते हैं जो कि
कई सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी पोजीशन अभी तक ऊपर नहीं बढ़ी थी और ना ही उनकी सैलरी बढ़ी थी, जिसके कारण जिंक की मॉम और डैड के बीच हर रोज लड़ाई होती रहती थी। और वो जिंक के डैड से कहती थी कि तुम्हें अपनी पोजीशन और सैलरी के बारे में अपने बॉस से बात करनी चाहिए, लेकिन वो कभी भी इस बारे में अपने बॉस से बात नहीं कर पाते थे। अगले दिन जिंक जब स्कूल जाता है तो कोच उसे अपने पास बुलाता है और जिंक से कहता है कि डेविड ने मुझे बताया है कि तुम एक अच्छे लड़के हो और एक अच्छे सॉकर प्लेयर भी बन सकते हो, इसलिए आज से मैं तुम्हें फिर से टीम में ले रहा हूँ। ये सुनकर जिंक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम वी चेंग को देखते हैं, जिसे किचन में एक डीमन चोरी करते हुए मिल जाता है, जो कि उसे देखते ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वी चेंग उसे खाने का लालच देकर उसे बहुत ज्यादा मारता है। लड़ाई की आवाज सुनकर जिंक भी वहाँ पे आ जाता है, लेकिन वो डीमन से टकरा के वहीं बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वी चेंग उस डीमन से कहता है कि जब मेरे डैड मुझे वापस नहीं ले जा पाए तो तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। जब मेरा काम यहाँ खत्म हो जाएगा और मैं फोर्थ स्क्रोल को ढूंढ लूंगा तो मैं खुद ही वापस आ जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगली सुबह जिंक की जब आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो अपने रूम में था, लेकिन उसे ये याद नहीं होता कि वो यहाँ पे कैसे आया था। खैर, जिंक स्कूल चला जाता है जहाँ एक एग्जीबिशन मैच होने वाला था। जिंक भी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि अब वो भी सॉकर टीम का हिस्सा बन गया था। इसी दौरान जिंक की नजर वी चेंग पे पड़ती है, जो कि स्टेडियम में बैठा हुआ था, जिसे देखकर उसे कल की बातें याद आने लगती हैं। जब उसने वी चेंग को डीमन से लड़ते हुए देखा था, मैच के बाद जिंक वी चेंग के पास जाता है और उसे पूछता है कि जो कुछ मैंने कल देखा था क्या वो सब सच है, जिस पर वी चेंग उसे सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मेरे डैड ने हेवन से मुझे लेने के लिए उस डीमन को भेजा था। साथ ही वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी दुनिया में फोर्थ स्क्रोल को ढूंढने आया हूँ और तुम मेरे गार्डियन हो, क्योंकि जिस तरह तुमने मुझे यहाँ एडजस्ट होने में हेल्प की है, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि तुम फोर्थ स्क्रोल को ढूंढने में भी मेरी हेल्प करो। जिंक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वी चेंग क्या कह रहा है, जिस पर वी चेंग उसे कहता है कि कल 5 बजे मैं तुम्हें अपनी आंटी से मिलवाऊंगा, जिसके बाद तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। वहां से जाते हुए रास्ते में जिंक को डैनी मिल जाता है, जो कि उसे कहता है कि स्कूल के बाद मैंने एक पार्टी रखी है और उस पार्टी में तुम्हें जरूर आना है। इसलिए जिंक स्कूल के बाद सीधा उस पार्टी में पहुंच जाता है, जहां डैनी उसे कहता है कि हमारे बीच जो भी लड़ाई झगड़े थे हमें उन्हें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनकर जिंक और भी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम वी चेंग और उसकी आंटी को देखते हैं, जो कि जिंक का वेट कर रहे थे, लेकिन 5 बजने वाले थे और जिंक अभी तक वहां पे नहीं आया था, जिसकी वजह से वी चेंग की आंटी उससे कहती है कि वो नहीं आएगा, इसलिए वी चेंग उसे खुद ही लेने के लिए चला जाता है। वी चेंग के जाते ही वहां पे बुल डीमन आ जाता है। गुनियान उसे पूछती है कि तुम यहां पे क्यों आए हो, जिस पर बुल डीमन कहता है कि मैंने सुना है कि मंकी किंग का बेटा उसकी आयरन स्टफ को लेकर यहां आ गया है और वही आयरन स्टफ मैं उससे लेने के लिए आया हूं, इसलिए अगर तुम मुझे उसका पता बता दोगी तो ये सबके लिए बेहतर होगा, लेकिन गुनियान ऐसा करने से मना कर देती है, जिसकी वजह से उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। बुल डीमन वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन गुनियान क्योंकि एक देवी थी इसलिए बुल डीमन उसका मुकाबला नहीं कर पाता। गुनियान उसे काफी ज्यादा मारती है और वहां से भगा देती है। बुल डीमन वहां से जाते हुए गुनियान को धमकी देता है कि मुझे एक बार आयरन स्टफ मिल जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें देख लूंगा। दूसरी तरफ डैनी जिंक को एक डेयर देता है और उससे कहता है कि तुम हमारी टीम में नए नए आए हो, इसलिए जो भी हमारी टीम में नया आता है हम उसको डेयर जरूर देते हैं, ताकि वो हमारे साथ अपनी लॉयलिटी को प्रूव कर सके। डैनी उसे कहता है कि इसके लिए तुम्हें टॉयलेट पेपर चुरा के उसे एक बियर के स्टैचू पे लगाना होगा और अगर तुमने ये काम कर दिया तो इसके बदले तुम्हें गोल्ड प्लेटेड शूज मिलेंगे, जिसके लिए जिंक वहां से चला जाता है। और जब वो टॉयलेट पेपर को चुरा कर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे वी चेंग मिल जाता है। जिंक उसके घर ना पहुंच पाने की वजह से उसे अपोलोजाइज करता है और कहता है कि मैं वहां पे आने ही वाला था कि तभी डैनी ने उसे अपनी लॉयलिटी प्रूफ करने के लिए एक डेयर दे दिया, जिसमें उसे टॉयलेट पेपर को चुरा के बियर के एक 15 फीट ऊंचे स्टैचू पे लगाना है, जिसके बाद एक सेल्फी लेकर उसे पोस्ट करना है। ये सुनकर वी चेंग उससे कहता है कि अगर मैं इस काम में तुम्हारी हेल्प करूं तो क्या तुम मेरी आंटी से मिलने के लिए चलोगे, तो जिंक ये सुनकर फौरन से मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों उस स्टैचू के पास जाते हैं, जहां वी चेंग अपने कान से उस आयरन स्टफ को निकाल कर उस स्टैचू के ऊपर चढ़ जाता है और जिंक से वो टॉयलेट पेपर ऊपर फेंकने का कहता है, जिसके बाद वी चेंग उसे आयरन स्टफ पे फंसा के उस स्टैचू पर लपेटने लगता है, जिसके बाद जिंक उस स्टैचू के साथ एक सेल्फी लेता है और डैनी को सेंड कर देता है। अब वी चेंग जिंक को अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन जिंक उससे कहता है कि अभी तो मुझे गोल्ड प्लेटेड शूज लेने के लिए पार्टी में जाना है, इसलिए कल मैं तुम्हारी आंटी से मिलने जरूर आऊंगा। जिंक के वहां से जाते ही वहां पे बुल डीमन भी आ जाता है और फौरन से उस आयरन स्टिक को वी चेंग से छीन लेता है, जिसके बाद वो स्टिक को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जिंक
वो गोल्डन शूज लेकर घर आ जाता है और आज वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर उस टॉय पे पड़ती है जो कि उसे वी चेंग ने दिया था, जिसकी वजह से वो वी चेंग के बारे में सोचने लगता है कि आखिर वी चेंग कौन है। दूसरी तरफ जब वी चेंग उस आयरन स्टफ को खोने के बाद घर आता है तो तभी वहाँ पे मंकी किंग भी एक डीमन के साथ पहुँच जाता है और वो वी चेंग से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि वो कोई खिलौना नहीं है, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझे। अब तुम वापस मेरे साथ हेवन में चलो। और इस बार गुनियान भी मंकी किंग को कुछ नहीं कहती और वो उसे वी चेंग को अपने साथ ले जाने देती है। इसी के साथ ही इस टीवी सीरीज का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।